मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से तरोताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। महागठबंधन में शामिल होंगे भाजपा विधायक। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर पर जेडीयू ने ली चुटकी। महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर के बीच बिहार की महागठबंधन सरकार में भी टूट के कयास लगाए जा रहे हैं। रविवार को भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। इस पर जदयू ने चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार में महाराष्ट्र जैसे हालात बन रहे हैं, इसका तो मतलब हुआ कि भाजपा विधायक महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं। पटना महाराष्ट्र में तोड़ की राजनीति के बीच बिहार की महागठबंधन सरकार में भी जल्द टूट के कयास लगाए जा रहे हैं। रविवार को भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। अब इस पर जदयू ने पलटवार करते हुए चुटकी ली है। सोमवार को जदयू पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक पोस्ट में कहा गया कि बिहार में महाराष्ट्र जैसे हालात बन रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष अपने भाजपा विधायकों को लेकर महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टी एनसीपी के नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने रविवार को 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे की सरकार को समर्थन दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। महाराष्ट्र में सियासी खेला के बाद अब भाजपा बिहार की महागठबंधन सरकार में सेंध मारने की कोशिश में है। इस बीच जदयू ने कहा कि महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष कई विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो गए हैं। बिहार में ऐसी स्थिति बनने का मतलब तो यही हुआ कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी अपने भाजपा विधायकों को लेकर महागठबंधन सरकार में शामिल होने वाले हैं।